स्पेशल एडिशन में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं आपका होस्ट पुष्कर आनंद हूं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अभी स्टॉक मार्केट में इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, आप दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ। क्योंकि ये तो बता दिया कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी है अभी, क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। पर दोस्तों एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा आती होगी कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना इस टाइम पे सही है ताकि हमारा फंड सेफ भी हो और रिटर्न भी अच्छा हो। क्योंकि आप सभी लोगों को दोस्तों रिटर्न के साथ सेफ्टी की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पैसा अगर जब तक अपने पास कैपिटल है तब तक ही दोस्तों हम लोग उसके ऊपर रिटर्न ले सकते हैं। जिस दिन कैपिटल खत्म हो गया चाहे कुछ भी कर लें, हम उसके ऊपर रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते हैं। सो सेविंग प्रिंसिपल विथ अर्निंग गुड रिटर्न शुड बी द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग फैक्टर फॉर एवरी इन्वेस्टर। अब दोस्तों पहली चीज आप सभी को बताना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू, कहां इन्वेस्ट किया जाए। तो दोस्तों एक छोटा सा लेसन है जो आप लोगों को समझाना चाहूंगा। मार्केट में दोस्तों तीन तरह के अभी प्रेजेंटली स्टॉक्स अवेलेबल हैं। मैं चाहूंगा आप लोगों को दोबारा से यहां लिख के समझाऊंगा। स्टॉक मार्केट में अभी तीन तरह के दोस्तों स्टॉक्स अवेलेबल हैं। पहला है दोस्तों लार्ज कैप, दूसरा है दोस्तों मिड कैप और तीसरा है दोस्तों स्मॉल कैप पब्लिक माइक्रो कैप। अब दोस्तों जैसा कि नाम से ही अपीयर हो रहा है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा लार्ज कैप कौन सी कंपनियां होती हैं दोस्तों। तो लार्ज कैप वैसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के टाइम पे 25,000 करोड़ से ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों ये बताता है कि उस कंपनी की नेट वर्थ कितनी है। अगर आज आपको उस कंपनी को परचेज करना होल एंड सोल तो आपके पास कितने पैसे चाहिए होंगे, उसको कहते हैं दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आज के टाइम जो सबसे ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स हैं पूरे इंडिया में वो लार्ज कैप की कैटेगरी में आते हैं। अब लार्ज कैप का मोटा मोटी जो एग्जाम्पल है वो है 25,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी लार्ज कैप में आती है। ऐसा कहीं स्टैंडर्ड लिखा नहीं है, बट अगर आप इसको एनालाइज करेंगे रूट पे जाके तो ये आपको 25,000 करोड़ का फिगर आएगा। अब दोस्तों मिड कैप कहां से है? तो मिड कैप ऐसी कंपनियां हैं जो 10,000 से 25,000 करोड़ की कंपनी है, जो 10,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ के रेंज में, उसको मिड कैप कहते हैं। उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन और जो तीसरी जो कि सबसे ज्यादा रिस्की स्टॉक्स भी कहे जाते हैं और सबसे ज्यादा रिटर्न भी देने वाले हैं वो है दोस्तों लेस देन 10,000 करोड़। अब 10,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की नॉर्मल कंपनीज को दोस्तों आज हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं। माइक्रो कैप कौन सा स्टॉक होता है दोस्तों, जो थोड़ा और सस्ता हो, जैसे कि हजार से करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के बीच में, स्मॉल ऑब्लिक माइक्रो कैप बोलते हैं। अब दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए दोस्तों हर आदमी का रिस्क रिवार्ड रेशियो लाइफ में अंडरस्टूड होना चाहिए। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि कहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अगर आप लाइफ में स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम एंट्री करना चाह रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। पहले आपको दोस्तों पहली इन्वेस्टमेंट हमेशा याद रखिए ऐसी कंपनी में करें जो आपका फेवरेट कंपनी है। फॉर एग्जांपल आप कौन सी कंपनी का बैंक अकाउंट यूज करते हैं, भले ही वो ICICI हो, HDFC हो, कोटक हो, सारे बड़े बड़े बैंक्स हैं, कहीं ना कहीं आपका अकाउंट होगा, आप उसके कस्टमर हैं। फॉर एग्जांपल आप फोन किसका यूज करते हैं, जियो का करते होंगे या एयरटेल का करते होंगे या फिर आइडिया का करते होंगे। तो तीनों के टाइम आज के टाइम तीनों कंपनियां दोस्तों लार्ज कैप में आती हैं। तो हमेशा याद रखें एक इनिशियल इन्वेस्टर को पैसा लार्ज कैप से स्टार्ट करना चाहिए लगाना, क्योंकि पहला तो जब तक दोस्तों आपका कैपिटल सेफ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है सेफ्टी ऑफ कैपिटल, और इसके लिए हम लोग काफी ज्यादा रिस्क मेजर्स लेते रहते हैं स्टॉक मार्केट में। तो याद रखें अगर आपको सेफ्टी के साथ अच्छा पैसा अर्न करना है जहां पे आपका रिस्क भी कम हो और आपको डिसेंट रिटर्न मिले, तो आज के टाइम दोस्तों पहली कैटेगरी हो गई जो लार्ज कैप की है, वो आपके काम आएगी। दूसरा दोस्तों जो कैटेगरी है जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि इस वीडियो का पूरा थीम है, वो है मिड कैप। दोस्तों मिड कैप क्या होता है, 10,000 करोड़ से लेके
25,000 करोड़ तक की कंपनियां मिड कैप में आती हैं। तो मिड कैप में क्यों इन्वेस्ट करें दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है दो तरह के इंसान होते हैं हॉर्स रेस में, एक होता है बड़ा हाथी, एक होता है छोटा हाथी। पर आपको भी पता है तेज कौन भागता है? हमेशा छोटा हाथी तेज भागता है, क्योंकि छोटे हाथी में पावर कम, मतलब उसका वेट कम होने की वजह से वो भागता है। तो स्टॉक मार्केट भी वैसे ही होता है दोस्तों, जब भी पैसा लगाएं तो अगर आप मिड कैप में डालते हैं। मैं मिड कैप पे क्यों फोकस कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि जो हम लोगों का लास्ट सेगमेंट है स्मॉल कैप, ये काफी रिस्की होता है। रिस्क इसमें इतना ज्यादा होता है कि कई बार इसमें कैपिटल पूरी तरह से जीरो भी हो जाता है। मैं आप लोगों को दोस्तों डराना नहीं चाहता हूं, बट मैं आप लोगों को टोटली ये अवेयर कराना चाहता हूं, अपना एक एक पैसा कहीं भी डालें पहले सेफ्टी इंश्योर कर लें। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के अलावा, वो क्या है? रिटर्न। दोस्तों दो ही रीजन से आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वरना आप एक ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें FD के जो कंपेयर में रिटर्न है मिड कैप के इंडियन स्टॉक मार्केट में, दैट इज फैंटास्टिक, सुपर फैंटास्टिक। इसका मैं नहीं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपको हिस्ट्री बता रही है। रफली जो मिड कैप में पिछले 5 साल का अगर दोस्तों डेटा लिया जाए, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग लास्ट ईयर वाज नॉट गुड, तो एवरेज रिटर्न इज मोर देन 20% दोस्तों, 20% का एनुअल रिटर्न की बात कर रहा हूं, ये मिड कैप में मिला है। तो दोस्तों आज ही इस वीडियो को देखने के बाद मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने मार्केट के में इन्वेस्टमेंट के लिए एक मूड बनाएं और इमीडिएटली आज ही अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर को फोन लगाएं और उनसे पूछें कि कौन सा मिड कैप स्टॉक आपको कल ही इन्वेस्ट करना है। क्योंकि दोस्तों बता दूं, बड़े हाथी पे सभी पैसा लगाते हैं, पर लास्ट में अगर किसी ने छोटे हाथी पे पैसा लगाया और वो जीत गया, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा, बड़ा रिटर्न मिलेगा। और अगर कुछ भी दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको हमेशा लार्ज कैप से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये हमारा इस वीडियो के थ्रू एक मकसद है कि आपके मन आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोवाइड किया जाए, उसका अंडरस्टैंडिंग दिया जाए। और जो दोस्तों तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप, इसके ऊपर मैं 2 अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों स्टॉक्स डिस्कस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट पहले हम लोग आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं जो कि अंदर तक आपको समझ में आए, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन मार्केट में इतनी आसानी से लोगों को समझ में नहीं आते। तो हमारा जो मिशन है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपको अवेयर करना, आपको एडुकेट करना, आपको सपोर्ट करना मेंटली थ्रू नॉलेज, क्योंकि तीसरी चीज जो होती है इन्वेस्टिंग, वो तो आप कहीं से भी किसी के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अभी मैं आपको लास्ट जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन करूंगा मिड कैप इन्वेस्टमेंट का। हमेशा याद रखो दोस्तों, मिड कैप इन्वेस्टमेंट एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू आप अपने रिटर्न को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बस एक ही रिस्क है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक ढूंढ के निकालें। अगर आपसे एक अच्छी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं और आपको अगर सपोर्ट चाहिए, तो आप हमें कॉमेंट में लिखें इस वीडियो में। तो आपको अगर किसी अलग से स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए, उसका भी आप इस कमेंट करके इस वीडियो में दें, ताकि हम लोग एक फ्रेश वीडियो बनाएं और उस स्टॉक की एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस और एक वीडियो आपको इस मार्केट के थ्रू प्रोवाइड करके दें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो सीरीज को एंड करता हूं और एक फ्रेश वीडियो में आप सभी के आंसर्स के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का मैं पुष्कर आनंद वॉन्ट टू थैंक यू, आप सभी को शुक्रिया करना चाहता हूं। और अगर आपको कोई भी अपने अलग से अगर आपकी कोई हिचकिचाहट है, तो आप उसको जरूर हमें लिखें, हमारा कमेंट सेक्शन में डिटेल्स भी अवेलेबल है, आप लिंक में जाके शेयर कर सकते हैं, ताकि दोस्तों हम लोग आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखिए एक रुपया भी नहीं देना है, किसी से कुछ भी नहीं शेयर करना है, बस आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े